सारे वीरां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सारिआं नूं पता है कि गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आने वाला है कि आप सारिआं संगतां ने रल मिल के पूरी श्रद्धा ते प्यार दे नाल गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाना है। आओ इस गुरपुरब नाल संबंधित गुरु नानक देव जी के जीवन के विचों एक साखी मैं तुहाडे सारिआं नाल शेयर करदा हाँ। इस साखी की शुरुआत इस तरह शुरू हुंदी है। एक बार एक पुत्र अपनी माता जी नूं पुछदा है, कहिंदा माता जी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आने वाला है तो किड्डा वधिया हुंदा है कि गुरु नानक देव जी के असी शरीरक रूप दे विच दर्शन कर पाउंदे, भाई मरदाने दे वांगू असी भाई लालो दे वांगू असी मरदाने दे वांगू असी भी गुरु नानक देव जी दे नाल बहिंदे, उहनां दे नाल कीर्तन करदे, उहनां दा सोहना मुखड़ा देखदे तां किड्डा वधिया हुंदा है। तां अगों माता जी कहिंदी है कि बेटे आओ तैनूं मैं अज इक साखी सुणानी है ते उह साखी सुण के तूं मैनूं दस्सी कि गुरु जी दे असल दर्शन कहिड़े आ, कि सानूं गुरु जी दे दर्शनां दी लोड़ है कि नहीं। तलो जी साखी की शुरुआत इस तरह होंदी है कि एक बार गुरु नानक देव जी का बड़ा हरमन प्यारा सिख भाई गुरसिख जिसका नाम से भाई मनसुख, भाई मनसुख जी एक बार व्यापार करते करते श्रीलंका जिसनों अज आप श्रीलंका कहने उसका पुराना नाम संगलादीप से, संगलादीप देश के जाता है तो उतों का एक राजा शिव नाम जिसके नाल भाई मनसुख जी व्यापार करते होंगे है। जो राजे शिव नाम ने देखा कि भाई मनसुख के चेहरे के उत्ते बड़ा जलाल है, बड़ी लाली है, चेहरा बड़ा खुश है, वो जो भी कोई काम करते हैं तो मूँह के कुछ ना कुछ जपते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो बड़ा इन्हों की पवित्र रूह है। तो उन्होंने भाई मनसुख जी को खाने पर बुलाया। जो भाई मनसुख जी राजा शिव नाम के द्वार के जाते हैं, महलों के जाते हैं, तो राजे ने सवाल पूछ ही लिया कि तुझे हर वेले की गुनगुनाना रहना है, तेरे चेहरे पर बड़ी खुशी रहती है। तो भाई मनसुख जी ने आख्या कि हे राजन मैं हर वेले उस अकाल पुरख की कीर्ति करता, उस अकाल पुरख का सिमरन करता जरा सारे के शरीर में है, घट घट के हर पासे है, तो ये मैं उपदेश श्री गुरु नानक देव जी ने दिते है। तो राजा शिवनाथ सुन के बड़ा हैरान होता, कहता मैनू भी अपने गुरु जी के दर्शन कराओ, मैं उसके चेहरे को देखना चाहना, उसके मेहर भरे नैना देखना चाहना, तो बख्शिश भरिया जरा मत्था मैं देखना चाहना गुरु नानक देव जी का। तो भाई मनसुख जी कहते हे राजन जे तुसी मैनू अज की रात अपने नाल रहन की इजाजत दोगे तो मैं शायद तुहानू समझा पावां कि गुरु जी के असल दर्शन केड़े हैं। लो जी रात पैंदी है, भाई मनसुख जी उस राज महल दे विच ही रात नू ठहर जांदे आ, ते जदों खाना खाण तो बाद भाई मनसुख जी दे दिमाग विच आई एक व्योंद कि मैं राजे शिवनाभ नू दसना है कि गुरु जी दे असल दर्शन केड़े है। वो जदों जा रहे थे कि पुराना समा सी तुहानू सारिआं नू पता है कि लाइट वगैरह नहीं हुंदी सी, तां वो जिहड़े नाल राजे दे कुछ दो नौकर सी ते दोनां दे हत्थां च दीवे फड़े होए सी, तां भाई मनसुख जी कहिंदे एक नौकर नू बुला के कहिंदे इधर आओ तुहानू मैं एक गल कहना, एक छोटी जी एक्टिविटी आपां करदे आ ते आपां देखदे आ की हुंदा है। तो राजे ने प्रवानगी दी तो नौकर फटाफट अगे आया, उसके हाथ के उत्ते दीवा रख्या होया सी, ते भाई मनसुख जी उदेश करते हैं, एक निर्देश देंदे आ कि हे वीर, हे मेरे वीर, तुसी अद्धा किलोमीटर तक दूर तुर के जाना, इस दीवे नू वेखते हुए तुरते जाना, तो तुसी देखा जे मैनू तुर के दिखाओ तुर पाते हो कि नहीं। तो नौकर ने उस तरह ही किया, हाथ के उत्ते दीवा रख्या, तो भाई मनसुख जी ने आख्या दीवे वाल वेख के तुरना, ज्यों ही नौकर का ध्यान दीवे वाल सी तो तुरदा जा रहा सी, रस्ते दे विच इक ठेडा लग के डिग जाते हैं, दीवा भी डिग जाता, दीवा भी बुझ जाता है, तो वह नौकर भी जमीन के उत्ते डिग जाता है। राजा वेख के हैरान हो रहा है कि भाई मनसुख जी करी की जाते हैं, हुण दूजी बारी फिर उस नौकर नूं बुलाया भाई मनसुख जी ने, कहते भाई साहब हुण तुसी की करना, दीवे वाल नहीं देखना, दीवे विचों निकलती हुई रोशनी नूं देखना, तो फिर तुरदे जाना, तो अपना सफर तय करके आना। लो जी नौकर ने उस तरह किया, उस दीवे वाल नहीं वेख्या उन्हें, दीवे की रोशनी वाल देखता देखता तुरदा गया, तो जिहड़ा टारगेट मिथ्या सी उत्थों पूरा करके वापस आया, चेहरे के उत्ते उनकी खुशी सी कि मैं ये अपना टारगेट पूरा किया। राजन पुछदा भाई मनसुख जी नूं तुसीं इह कहना की चाहते हो, तुसीं इह जो कुछ करके दिखाया आखिर तुहाडे दिल दे विच है कि कहना चाहते हो, तो भाई मनसुख जी कहते मैं तुहानूं यही समझाना चाहना राजन कि गुरु जी के जिहड़े असल दर्शन है, जिस तरह दीवे नूं देखते रहिए तो असीं अपना निशाना खुंझ जावांगे, जे असीं गुरु जी के दर्शनों की तांग करते रहे तो की पता सानू खुशी मिली ज ना मिले, ज पता नहीं, क्योंकि गुरु के शरीरक दर्शन नहीं हो सकते,
पर गुरु जी दे मुख विचों निकली हुई जिहड़ी बाणी है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, जिहड़ी बाणी सानू दे के गए आ उही गुरु जी दे असल दर्शन है। जिस तरह दीवे दे असल दर्शन दीवे दी रोशनी दे विच सानू मंजिल तक पहुँचा सकते सी, उस तरह गुरु दे शरीरक दर्शनां दी तांग ना करते हुए उन्हां दी बाणी दे नाल जुड़ी है, तां बाणी ही गुरु जी दे असल दर्शन है। असी रोज़ गुरुद्वारे जाके नितनेम करके बाणी पढ़ के गुरु जी दे नाल गल्लां कर सकते हैं, गुरु जी गल्लां भी करदे आ, ते बाणी दे विच तुसी कदे ध्यान मारिया जे तुहाडे मन दे विच जिहड़ी पंक्ति जां जिहड़ा शब्द चलदा पवेगा, जदों तुसी गुरुद्वारे कदे गए सच्चे मन दे नाल बैठे होंगे तां उही पंक्ति उही शब्द उही बाणी तुहानू कन्नां विच सुनन नू मिलेगी। कदे कदे तां मैं हैरान हो के देखदा कि मेरे कुछ सवालां दे जवाब भी बाणी दे विचों मिल जांदे ने। हांजी, बाणी साडा राह दसेरा है, बाणी साडी गुरु है, बाणी कहिंदे कि बाणी विच बाणी अमृत सारे, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, आपां सब कुछ बाणी दे विचों ओह लै सकदे आ ते गुरु जी दे असल दर्शन भी कर सकदे आ। राजे नूं भी समझ आ गई ते ओह जिहड़ा पुत्तर अपनी माँ नूं सवाल पुछदा पिया सी, माँ ने बड़े तरीके दे नाल साखी दे नाल गल समझाती कि बाणी ही गुरु जी दे असल दर्शन है। तो मैं उम्मीद करता कि तुहानू ये साखी बहुत वधिया लगी होगी। आओ गुरु नानक देव जी के गुरपुरब उत्ते इस तरह दीयां होर साखियां आपां सुनते रहिए ते अपने बच्चों नूं सुनांदे रहिए, ते साडे घर दे विच वी गुरु नानक दीयां खुशियां बहुत ज़्यादा आनगियां, ते असीं गुरु नानक दी झोली दे विच बाणी पढ़ के बैठ सकते हैं। तुहानू साखी वधिया लगी तां इस साडी इस वीडियो नूं लाइक जरूर करो अते सारिआं दे नाल शेयर करो तां जो आपां गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्या नूं सारिआं पासे पहुँचा सकीए। आप सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल।